जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मुझे भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 के अंक को किस तरह से आप लिख करके रखते हैं अपने सिरहाने, कि जिससे कि आपकी जो कोई भी ख्वाहिश है, इच्छा है, वो पूरी हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2 का अंक है वो चंद्र का अंक है, चंद्र मन का कारक है और मन ही परमात्मा है। आपने सुना होगा मन सो परमात्मा। अब यदि मन की शक्ति, एक बात और बता दूं कि जो मन की शक्ति है, इतनी शक्ति किसी की भी नहीं है। श्रीमद् गीता में स्पष्ट लिखा है कि मन एक अकेला इतना शक्तिशाली है कि वो सारी ही इंद्रियों का हरण कर सकता है। तो मन के जितना दूसरा शक्तिशाली और कोई भी नहीं है। अब इसको रात्रि के वक्त क्यों करना है? क्योंकि रात्रि के वक्त ही आपका जो अचेतन मन है, अर्ध जागृत मन है, वह सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसके काफी किस्से अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। कई लोग कितनी ही जगहों पर राह भटक गए हैं। कई लोगों के कई ऐसे काम थे जो बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे करना है, और रात्रि को सोते वक्त उनको इस तरह से स्वप्न आए, इस तरह से उनको ख्वाब में चीजें दिखाई दी, रास्ते दिखाई दिए कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। क्योंकि उस समय आपका जो अचेतन मन है, अर्ध जागृत मन है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो आज इसी का मैं उपाय आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इस नंबर का उपाय करें कि जिससे आप अपने अचेतन मन का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें आपकी इच्छा को पाने के लिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, व्रत त्यौहार, पूजा विधि, इन सब के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ आज का उपाय कि इस उपाय को आप करेंगे तो आपकी जो कोई भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, जो 2 का अंक है वो चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्र का अंक माना जाता है, चंद्र मन का कारक है और मन ही सब चीज में आपको या तो विजेता बनाता है या आपको असफल बनाता है। क्योंकि आप तब तक नहीं हारते किसी भी चीज से जब तक आप उस चीज से मन से हार स्वीकार नहीं कर लेते। दुनिया में आपको हराने वाला आपके मन के अलावा और कोई भी दूसरा नहीं है। जब तक आप मन से ये नहीं सोच लेंगे कि मैं इस चीज में हार गया हूं, तब तक आपकी हार नहीं होती है। क्योंकि हार ना ही कोई स्टॉप है और ना ही जीत कोई डेस्टिनेशन है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब व्यक्ति मन से सोच लेता है कि वो हार गया या जीत गया, उसी समय वहां पर वो रुक जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो मन है वही आपको हराता है और जिताता है। और जब आप मन को मजबूत करने वाले कोई कार्य करते हैं तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में हारते नहीं है। ऐसा ही है चंद्र का। चंद्र ही आपके मन का कारक है। यदि ये मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति का मन काफी मजबूत होता है और ये हर किसी कार्य में विजेता बनकर के निकलते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इस 2 के अंक को आप किस तरह से लिख करके रखें। सफेद रेशमी एक कपड़ा ले लें। सफेद रेशमी कपड़े में दूध से रुई का फुहा बना लें। ध्यान दीजिए, सफेद ही कपड़ा लेना है। रुई के फूहे से, दूध से आपको उस सफेद कपड़े में 2 लिखना है और आपकी जो कोई भी इच्छा है वो उसके नीचे रख दे लिख देना है। उसी कपड़े में ऊपर 2 लिखना है और नीचे आपकी जो इच्छा है वो लिख देना है। और जब ये सूख जाता है तो इसको आप अपने बिस्तर, अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। ऑटोमेटिकली आपका अर्ध जागृत जो मन है वो रात के समय बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब उसमें आपने आपकी इच्छा लिख दी है। तो जब आप किसी चीज को लिखते हैं
तो वह चीज आपके मन पर और दिमाग पर बहुत गहरा छाप छोड़ती है, एक स्टैंप जैसी चीज हो जाती है। तो आपका मन उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि वो कहाँ से आप प्राप्त करें। साथ ही दो का अंक आपको इसमें मदद करेगा कि चंद्र के जरिए ये मन बहुत जल्द से जल्द वह चीज को आप तक लेकर के आए। इस क्रिया को यदि आप सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन करते हैं तो यह चीज बहुत गजब की सिद्ध होगी, क्योंकि सोमवार और पूनम ये दो दिन चंद्र के लिए काफी विशेष दिन माने जाते हैं। यदि इस दिन में आप इस क्रिया को करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप जो कुछ भी चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। इस कपड़े को इसके बाद में आप जल प्रवाहित कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, किसी मंदिर के बाहर भी रख सकते हैं, और जब कभी भी आप इस्तेमाल करना चाहें इसे धो करके आप दोबारा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।